तो चलिए स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का पोषण ट्रैकर ऐप की एक और नई वीडियो में। तो बहनों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोषण ट्रैकर ऐप 21.1 अपडेट आने के बाद जब आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप को ऑन करेंगे तो आपके सामने अगर इस प्रकार से एक पॉपअप देखने को मिलता है डीबग मोड इज इनेबल, तो आप लोग इस पॉपअप को कैसे ऑफ करेंगे यानी आप लोग इस पॉपअप को कैसे बंद करेंगे आज इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप को जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने बार बार ये जो पॉपअप है वो देखने को मिल सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। आप लोग अगर इसी प्रकार से पॉपअप के साथ काम करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पोषण ट्रैकर ऐप है वो खुल के आ जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि बार बार ये जो पॉपअप खुल के आ रहा है इसको हम लोग हमेशा के लिए ऑफ़ करना, तो हम इसको कैसे ऑफ करेंगे। जैसे कि जब आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप को ऑन करेंगे यानी कि ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जो डीबग मोड की समस्या है वो देखने को मिल सकती है, पॉपअप देखने को मिल सकता है। हालांकि आप लोग यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करके आप लोग काम कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ कि आप लोगों के फ़ोन में ये क्यों ऑन हुआ है और इसको कैसे ऑफ़ करना है वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझना है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा। यदि आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अन्य आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो जैसे कि आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप का जो 21.1 का न्यू अपडेट आया हुआ है अगर आप लोग उसको अपडेट करते हैं तो इसमें जो दूसरा अपडेट दिया गया है कंसेंट टेक्स्ट इज एडेड इफ़ द डिवाइस इज इन डीबग मोड, यानी कि आप लोगों का जो डिवाइस है वो डीबग मोड दिखा रहा है क्योंकि आप लोगों के फ़ोन में जो एक डेवलपर सेटिंग होता है जो ऑन होने के कारण आपके फ़ोन में इस प्रकार से मैसेज देखने को मिल रहा है, यानी कि एक नए अपडेट के साथ आप लोगों को डीबग मोड की जो अपडेट है वो दी गई है। तो इसको कैसे ऑफ करना है और किन किन आंगनबाड़ी सेविका के फ़ोन में ये देखने को मिल सकता है आइए जानते हैं। जैसे कि ये जो डीबग मोड का जो पॉपअप है वो सभी आंगनबाड़ी सेविका के फ़ोन में नहीं देखने को मिलेगा, ये उन्हीं सेविका के फ़ोन में देखने को मिलेगा जिनके एंड्रॉयड फ़ोन में एक डेवलपर सेटिंग होता है, उस डेवलपर सेटिंग के ऑन होने के कारण ही आपको ये जो फीचर है वो देखने को मिल रहे हैं। तो अगर चाहते हैं आप लोग इसको हमेशा के लिए ऑफ़ करना तो चलिए वो कैसे करेंगे आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको पोषण ट्रैकर ऐप को बैक कर लेना है। बैक करने के बाद आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ऑन कर लेना है। तो सेटिंग में आने के बाद जैसा कि हर फ़ोन की सेटिंग अलग अलग होती है तो आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में चेक करना है कि अबाउट फ़ोन कहाँ पे लिखा गया है, ABOUT अबाउट फ़ोन आपको चेक करना है। ठीक है, अबाउट फ़ोन आपको ऊपर भी मिल सकता है और नीचे भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ऊपर में अबाउट फ़ोन लिखा होता है या नीचे में आप लोग देखेंगे तो अबाउट फ़ोन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपका जो डेवलपर सेटिंग है वो ऑन रहेगा तो आपको यहाँ पे जो है कि अबाउट फ़ोन के नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डेवलपर ऑप्शन, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है डेवलपर ऑप्शन, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है डेवलपर ऑप्शन वाले पे। यहाँ पे देख पाएंगे कि आपका जो डेवलपर ऑप्शन है वो ऑन हो चुका है जिसके कारण आपको वहाँ पे डीबग मोड की जो पॉपअप है वो देखने को मिल रही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से अपने डेवलपर ऑप्शन में जाके इसको ऑफ़ कर देना है। जैसा कि हमने यहाँ पे अपने फ़ोन की सेटिंग में आके इसको ऑफ़ कर दिया है, आप भी अपने फ़ोन के सेटिंग में जाके इसको ऑफ़ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है कि हमारे फ़ोन के सेटिंग में डेवलपर ऑप्शन कहाँ है तो आप लोग YouTube पे सर्च करके देख सकते हैं कि डेवलपर ऑप्शन को कैसे ऑन करें ऑफ़ करें, सारी चीज़ें आप लोगों को YouTube पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब मैं आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे कि हम लोग यहाँ पर पोषण ट्रैकर ऐप पर क्लिक करेंगे तो जो हमें डीबग मोड की प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, जो हमें एक पॉपअप देखने को मिल रहा था, वो पॉपअप अब आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को बस वही सेटिंग ऑफ़ कर देनी है जो आपके फ़ोन में डेवलपर सेटिंग होती है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पोषण ट्रैकर ऐप में इजीली यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। अब आप लोगों को यहाँ पे बार बार जो पॉपअप देखने को मिल रहा था वो अब आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग अपने फ़ोन की सेटिंग को ऑफ़ करके यहाँ पर इस पॉपअप को बंद कर सकते हैं। तो आई होप हमने इस वीडियो में आपको बता दिया कि कैसे आप लोग डीबग मोड की जो समस्या है उसको हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अन्य आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।